फादर स्टेन स्वामी का निधन हो चुका है। हमारे देश के वर्तमान व्यवस्था आज उससे निगल गई। मानव अधिकार की लड़ाई के लिए आदिवासियों की आवाज़ बनना उनको बहुत महंगा पड़ा और अंततः एक लगभग 84-85 साल की उम्र में मुंबई के जेल में उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। दुर्भाग्य है और आज हम लोगों के लिए एक ऐसा वक्त आज खड़ा है जहां हम अपनी आवाज उठाने के लिए हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है सजा के तौर पर। ये लोकतंत्र का एक अजूबा चेहरा हम देख रहे हैं और आज जिस तरीके से अनेकों समाजसेवी गरीबों की आवाज़ बनने वाले लोग इसके शिकार हो रहे हैं, आज ये एक बहुत कठिन घड़ी है और इस वक्त को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह हमें सोचना होगा। आज जिस तरीके से हमारे बीच से गरीबों की आवाज़ बनने वाले लोगों के ऊपर प्रताड़ना का सिलसिला जारी है, अगर ये ना रुका तो शायद लोकतंत्र के मायने बदल जाएंगे। आज संविधान बिल्कुल कागज के टुकड़ों में ही सिमट के रह जाएंगे। मुझे लगता है कि फादर स्टेन स्वामी के विषय में मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी से लेके मुंबई जेल की यात्रा, UAPA से बंधे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर लगातार प्रताड़ना की घटनाएं सूचनाएं में आती रही हैं। आज एक बेबस बुजुर्ग व्यक्ति अपने आखिरी दम तक अपने इस संघर्ष को जारी रखा। निश्चित रूप से आज हमारे लिए बहुत दुखद घटना के रूप में हम इसको देख सकते हैं। सदियों से आदिवासियों के बीच कई ऐसे लोग आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए आगे आए, उनको हमेशा ये प्रताड़ना झेलना पड़ा है। उनमें से आज स्टेन स्वामी भी रहे और मुझे लगता है कि अभी भी गरीबों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और ये संघर्ष कहीं ना कहीं हमें और मजबूत करने की दिशा संकेत दे रहा है ताकि देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सके। मैं अपनी ओर से
फादर स्टैन स्वामी को और अपने पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।